हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। उम्मीद है तुम लोग सब खैरियत से होगे। और इतने दिनों से भी गायब था मैं। आज का जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मेरे ख्याल से अब तो डलेगा, जब खत्म भी हो चुका होगा, पता नहीं कौन जीत गया होगा तो ही डलेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है और कौन जीतेगा जब ये व्लॉग डलेगा, या तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह, या तो फिर इंडिया। कौन जीतेगा जब भी डलेगा ये व्लॉग। तो हानी अभी बुलवाता हूँ, हानी अभी अभी नमाज पढ़ रही है। गाइस, मुझे कल से ऐसी प्रेडिक्शन आ रही है कि कल का जो मैच है, मतलब कल का जो मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान, वो जो होने वाला है, मुझे लग रहा है मेरे हार्ट, दिल और बॉडी, दिमाग में ये आ रहा है कि कल जो है इंडिया हार जाएगा। भाई कल का मैच जो है इंडिया हार जाएगा। तुम लोग सोच रहे होगे अबे इंडिया को बोला, अब तो जीत जाएगा, लेकिन यार इंडिया हारेगा। आरिश भी थोड़ा भंग डालेगी रंग में, तो देखते हैं रंग में भंग डालते हैं, शायद ये भंग में रंग जो भी डालते हैं। कहानियां बताओ यार, कल होने क्या वाला है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल पाकिस्तान जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दी थी व्लॉग। हाँ, अब बताओ। तो गाइस, ये दुआ पढ़ते पढ़ते क्यों दांत कर? नहीं, ये नहीं, बताओ जो पूछा है वो बताना आप। ठीक है, हो गए। कल का मैच कौन जीतेगा शादीप? पाकिस्तान। ठीक है, ये तो जीत जाएगा, लेकिन यार इस बार रोने वोने करने का काम नहीं है भाई, तो इतना दिल पे मैच नहीं लेना। अभी देखते हैं क्या होता है भाई कल के मैच में। मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, उठ के मिलता हूँ सुबह, अल्लाह हाफिज। The next day. तो गाइस, मैं अभी अभी सो के उठ चुका था और मेरे फेस से आपको पता चल ही रही होगी, अलग 12 बज के अब 20 मिनट तो हो गए यहीं पर ही, और मैच स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा है, लेकिन टॉस में सिर्फ 10 मिनट है। तो बहुत एक्साइटमेंट है कि क्या होगा आज के मैच में। तो लेट्स सी, बहुत मजा आने वाला है जब तक मैं फ्रेश व्रेश होके आता हूँ। तो गाइस, अभी टॉस रेडी हो चुका है, देखते हैं क्या होता है भाई। We are all ready here for the toss. It's coming up, the toss time, in front of a sellout crowd. India versus Pakistan. Babar Azam, Ranjan Madhukar, the match referee. All in business. Yeah, Pakistan jeet gaya. Mazaa aa jayega, Pakistan jeet gaya. Tel. Tel, India jeet gayi. For the new season. We're going to feel this. Bowling le li, ho gaya kaam tamam. अभी ग्राउंड देखो यार, 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है वहाँ पर, लेकिन हमारे पाकिस्तानी और इंडियन होगा तो पता है वो डबल ही घुसने उससे, तो 1.5 लाख पता नहीं कितने हैं इस स्टेडियम में। और बहुत शोर हो रहा है, मजा आने वाला है, लेट्स सी क्या होने वाला है। तराना हो गया है अभी, और बिल्कुल ही हम लोग मैच के 5 मिनट की दूरी पे। ये है असल शेर हमारे, आओ बल जल्दी ग्राउंड में छा जाओ। अब लोगों को पता तो होगा कि हमारे शान मैक्सवेल जो है, उनको सर पे बॉल लगी थी, इंजरी हुई थी, लेकिन यार हम लोग को के जो प्लेयर है वो धाड़ते हैं यार, कभी भी रेस्ट नहीं करते। तो शाहीन आ चुके हैं, ग्राउंड है, ग्राउंड की तो बात ही छोड़ो, खैर उनकी प्रोमो भी बना है। नहीं आज बेटा रोना पड़ जाएगा। ओए 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 ओए, हाँ क्या प्रोमो बना रहे हैं, वाह वाह। ये बॉलिंग के लिए गया भाई, और मैक्सवेल ने हाथ से छोड़ा, बाबर ने छक्का मारा, विलियमसन ने बॉल पकड़ी, और तो ऋषभ पंत कहाँ गया, वो हंस नहीं आया था खाली।
बॉल आ गई यहाँ पर आ गई। वाह जी वाह, मैं तो करूंगा। ये क्या है? अबे ये तो ड्रॉ नहीं बना दिया, आज के बाद मैच नहीं देखूंगा मैं। बब्बर एंड द रिजू पहली बॉल बाबा। बॉल घूम रहा है, बॉल घूम रहा है, बॉल घूम रहा है। कीजिएगा कुछ और नहीं। हाँ ये तो आपके प्रोफेशनल है। रुक करेगा चौका वोके की उम्मीद नहीं। तू तो हमें मरवाने के लिए आए यार। ये तो कोहली भाई ने बोला लो यार एक और चांस। ये देखो अरे बचत 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 चौके की तरफ। पहला चौका दूसरे ओवर की समाप्ति। अनिल गए हार गया तो भाई यहाँ पर तो सारे चाचाओं की क्रिकेट हो रही है। मोहम्मद शमी चाचा तिकार चाचू वो भी चाचे के चाचा आए हुए ना। ये शामी चाचा बॉलिंग करा रहे और इफ्तिखार चाचा बैटिंग कर रहे हैं। शान मामू बैटिंग कर रहे हैं। ये देखो शान मामू के शॉट। ये कड़क एकदम कड़क। रोज भी लिया तो 5 रन ले लेंगे। ग्राउंड में राकेश सावंत वगैरह सब आए हुए ना। राकेश सावंत पता नहीं पापा को कौन दिख गई बड़ी मानो वाली कोई चुड़ैल बैठी थी। आउट हो गया, आउट हो गया। अल्लाह करे बॉल जमीन पे मार और ये चौका होता। छूट गया। ओ चलो चांस बनाएगा। चीटर चीटर लाना तो नहीं जरूरत है। और अभी तो रुको चीटिंग के क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चीटिंग करते हैं यार। यार ये देखो खुले आम है यार बॉल लगे यार जल्दी कर रहा है। शामी भाई क्या हुआ बहुत तेजी से भागे थे। ये देखो रोहित शर्मा ऐसे लग रहा है नींद नहीं मिस की काम तो सोया नहीं है। यार मैं एक बात बोलूंगा वसीम जूनियर यार ये चाचा ये जो है इंडिया के शामी इनको अपना गार्नियर वाला शैम्पू लिया हो यार। कौन सा गार्नियर? अच्छा अच्छा पहला चक्का इफ्तिखार चाचा ने मार दिया पहला चक्का। चक्का मार दिया चाचा ने। चाचा आगे बढ़ के ट्रैक करके आए 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 मजा आ गया यार बहुत मजा आ गया। शॉट देखने के बाद तो बिल्कुल ही दिल खुश खुश हो गया। मैं यही बोल रहा था अब चक्का लगेगा चक्का लगेगा। इतने बड़े ग्राउंड में सब ऊपर ही देख रहे थे काफी देर तक सब ऊपर ही देख रहे थे। चाचा ने एक और चक्का मार दिया। शॉट है यार बैठ के मारे कसम से क्या छक्के मारे मेलबर्न में लगे ना छक्के। ये तो एक और लगा दो चाचा भाई चाचा भाई चाचा। अरे चाचा नहीं करो चाचा का गेम खराब। दोनों चाचा लड़ने में भिड़ने में लगे। चलो भाई शामी चाचा इफ्ती चाचा फेस
और ये शामी ने बहुत अच्छे लगे चाचा लवी हो गया आपने गेम बहुत आगे लगे गया सेफ्टी गार्ड चाचा यार लव यू आर इतना बड़ा मिडल ऑर्डर को जो चाहिए था वो इंशाल्लाह आज हमें मिला है माशाल्लाह से और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हमारा मिडल ऑर्डर चला है यही बड़ी बात है तो अभी खेल रहे हमारे नवाज और स्कोर बड़ा अभी भी अच्छा चल रहा है ये लोग ओए आउट मुझे लग रहा आउट है क्या है पूरे मैच को एंड पे ले गए 120 पे 7 आउट हमेशा कभी खेल के दिखाओ यार आसिफ अली क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा अभी यार हैदर अली ने जाइलो वाला शॉट खेल के गया अभी ये कोई शॉट ये देख तो सही अजीब है ना हैदर को जरूरत थी वो शॉट खेलने की ना नमाज को थी यार रन आ गए थे आप लास्ट बोल तो खड़े तो रहो पिच पे यार छक्के मारने का ग्राउंड नहीं है भाई वो लग रहा था वो सेट बैट्समैन था इफ्तिखार अहमद मार रहा था बैट पे आ रही थी उसके यार दिख रही थी उसको अब हर कोई आकर छक्के की ट्राई कर रहा है अजीब यार हंस रहे बॉलर भी उनका हार्दिक पांड्या तो हंस रहे कह रहे क्या हो कर क्या रहे हो तुम लोग खुद हैरान है कि मैं तो अभी अभी उसको भी पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम भी और हम भी मारेंगे वहाँ पे नहीं मारेंगे लेकिन स्कोर तो दो भाई 160 तो बनाओ ना 160 आप अगर अगर भाई 130 140 पे बनाओगे तो वो तो इजी ले जाएंगे उनके पास टारगेट सेट हो जाओ पड़ा हुआ है वो कहेंगे चलो ठीक है हमें 140 चेस करने हैं इस तरीके से खेलना है देखो भाई आफरीदी आ गए आफरीदी हमारा बैट्समैन है यार लाहौर कलंदर वाली इनिंग्स तो तुम लोगों ने देखी ही होगी नहीं देखी तो तुम लोगों ने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है शाहीन है यार असल बैट्समैन तो पावर हिटर याद है बाबर आजम के साथ ओपनिंग करवा दो शायद आफरीदी का वो पावर हिटर इसके अंदर घुसा है तो अभी भी 170 बन सकते है इतना है ना अभी कितने रन है अभी है 137 137 है ना 37 है ना 12 बॉलों पे 30 रन मारने आपको 165 कर लेना है 165 सही है हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा लेकिन यार विकेट हमारे हाथों से खो जाती है बहुत जल्दी गायब हो जाती है जादू की तरह एक स्लाइम की तरह हाथों से फिसलती है पता नहीं क्या है यार ये दादा मारेगा शाहीन मारेगा नीचे लिखा हुआ है आफरीदी 10 नंबर यार क्या छक्का मार रहा है सबसे बड़ी बाउंड्री लिखा हुआ भी आफरीदी 10 नंबर है लाला यार क्या दमाद है यार शॉट शॉट अभी मेरा दोस्त मेरे दोस्त बोल रहे ग्रुप पे कि अब तो कोई उम्मीद लगाने वाला नहीं मैंने वो मैसेज करा कि शाहीन है अभी बोल रहे कि वो तो कुछ भी नहीं नसीब है मैंने बोला शाहीन करेगा नहीं कोई बात नहीं शेर शायद आफरीदी का भी इतना ही काम होता है जितना आपने करा है यार कम से कम 10-12 रन बन जाए तो बेस्ट हो जाए रन अभी आते हैं तो विनिंग हो गए ये जितने रन आएंगे अब विनिंग होंगे चार बोले बची है हमारे तरफ से छक्का मारे बॉल पे आके छक्का मारा है अब मेरा ये क्लिप एडिट करना मैं अकेडमी गया था ना वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हो जाता मैंने बोला था हर छोटा प्लेयर परफॉर्म करता है वहाँ पे छोटा सा छोटा प्लेयर भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 100% एफर्ट करता है अब देखो ये देखो मेरी बात कैसी निकली है पहली बॉल में छक्का मार दिया रिजवान और बाबर से नहीं हुआ तो मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म कर दिया फिर बॉलर अलग और फिर आप बॉलिंग करेंगे इंशाल्लाह और रेड लगाएंगे फाइटिंग स्कोर तो कर लिया हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जीत गए हम ये जरूर कह सकते हैं फाइटिंग करेंगे और जहाँ तक उम्मीद नहीं थी वही उम्मीद बन चुकी है शाहीन आरिफ रऊफ शान और इफ्तिखार चाचा लव यू और बहुत अच्छा खेला तो अब देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग नाश्ता कर रहे हैं ना नाश्ता कर रहे हैं यार संडे का नाश्ता है लेट ये तो जल्दी उठ गए मैच के लिए अंडे फोड़ लो आप लोग पुलाव फोड़ लो और यहाँ भाई पराठे फोड़ ले और बेटे फोड़ेगा उनको फोड़ेगा और फिर रोहित को फोड़ेगा फिर विराट को फोड़ेगा सूर्या को तो ऐसा पड़ेगा कि क्यों जाएगा गर्भात की तरह शाइन को देख के ना राहुल अभी से ही कप कप आ रहा है देखो आ गया ये देख रहा है शाइन को अच्छा वो बॉलिंग पे है तो बोल रहा है कि नॉन स्ट्राइक पे जा भाई चल शाइन का रन अप ये बॉल गोइंग बॉल बॉल
रोहित शर्मा को कोच रहा होगा तुम्हें मुझे स्ट्राइक तो घूम गई हूँ बड़बड़ा रहा निकाल ली भाई जबरदस्त बॉलिंग की अभी नसीम सारे हमेशा ऐसे जाते नसीम को भी नहीं पता था नसीमा लव यू नसीमा चले गए पप्पा यार और रोहित शर्मा आउट हो गया ऐसे का कैच कर लिया चाचा इफ्तिकार ने और रोहित शर्मा भी गया मैच जा रहा है फंसने हर तरफ ने पहली बॉल पे विकेट लिए पहली बॉल पे सूर्य कुमार यादव चला गया फाइनली अरे दूसरी विकेट तो आउट है भाई ये तो आउट है आउट है यार आउट है गेम जाएगा बहुत 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 बता दिए कमेंटेटर बोल रहे सुपर ओवर होगा नसीम शाह इंशाल्लाह 8 रन 7 रन से ज्यादा नहीं देगा पाकिस्तान 6 रन से विन है 5 से 6 रन से विन है इंशाल्लाह 2 छक्के गलत पड़ गए यार लेकिन इंशाल्लाह यार जीतेगा पाकिस्तान उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरीके से यार असल में मिस फील्ड लेंगे कैच नहीं छोड़े इंशाल्लाह जीतेगा पहली बॉल पे बोल स्पेक्टिकल यू हैड सो फार कवर इज लॉन्ग एंड डीप लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ राइट बिहाइंड द बॉलर सो अ वेरी स्ट्रेट मिड विकेट हियर इज द फर्स्ट बॉल इट्स अ मिस हिट इट्स अ मिस हिट ये वही थी ना पहली बॉल पे आके जडेजा को बोल्ड मारा था इसने पिछले वर्ल्ड कप में लेकिन जीता इंडिया था मैं चाहता हूँ मेरा टाइटल ये हो कि पाकिस्तान जीत गया मौका मौका जीतेगा ये नो बॉल दे दी नो बॉल Not much power. Probably wants a no ball. आगे बढ़ा He's going for height. बहुत आगे बढ़ा All right, नहीं नहीं वो लीग आगे बढ़ा Has to go to the fence. Pakistan almost see that line. The end is. अबे यार
करता है तू चीटिंग 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 करता है तू ये नॉर्मल नहीं थी कुत्ते के बच्चे खा ले उसका पैसा बीसीसीआई का कोई बात नहीं हारेंगे दुख नहीं है जीत है He's pulled it back. He has pulled it back, Nawaz. It's a wide, Nawaz. What have you done, Nawaz? And the score. Oh, my God. Nawaz, what have you got, Nawaz? Ashwin, Nawaz. Nawaz, what have you done, Nawaz? Yes, but India cheated. It's over here. It's over here. कोहली ने आज जितवा दिया इंडिया को. आज कोहली ने यार क्लासिकल वो कर दिया यार. कोहली ने बता दिया कि यार कोहली के बगैर इंडिया अधूरी है, इंडियन टीम अधूरी है. कोई बात नहीं, हम लोग जो हार गए कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है. ये पहला मैच था. One week later. तो गाइस इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं. लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर देना, सपोर्ट करो ये व्लॉग लिटरली एक हफ्ते बाद ले, क्योंकि मैंने कहा था मेरे नेक्स्ट व्लॉग का कुछ पता नहीं होता क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से मेरे जो मोबाइल में आप समझ जाओ छोटा जीबी, उसकी जीबी बहुत कम है मोबाइल की, जिसकी वजह से मोबाइल की अपलोडिंग, फिर उसकी स्टोरेज का मसला, फिर ये वो इधर इधर से चीज़ें आती रहती हैं, फिर कैंसिल होती है अपलोडिंग. 5 दिन से लगातार कर रहा हूँ, तो आज मैंने बोला कि आज सब क्लियर करके रीसेट वीसेट करके सारी चीज़ें स्टोरेज बना के आज डालना है. तो बहुत पुराना व्लॉग था इंडिया पाकिस्तान का, आज डालूंगा. तो सपोर्ट प्लीज कर दिया करो यार, प्लीज एक तुम लोग की सपोर्ट से बस मेरा मोबाइल मुझे अपग्रेड हो जाएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे व्लॉग बनाऊंगा और ये डेली बेसिस पे आएंगे. हमारा पाकिस्तान भी आप लोगों को पता है मुश्किल में, कि अब साउथ अफ्रीका इंडिया हमें जिता सकता है, हमें वर्ल्ड कप की तरफ पहुँचा सकता है. जिम्बाब्वे ने हार जो दी है, जिम्बाब्वे ने बहुत खतरनाक हार दी है. मुझे लगता है कोई बीम बीम भेजा था वहाँ पे, तो उसका बदला हुआ है. देखते हैं कि क्या होता है पाकिस्तान के साथ. नेदरलैंड को भी हराना है पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका को हराना है, और एंड दी एंड बांग्लादेश को भी हराना है. बहुत मुश्किल है, इस कप में फंस चुके हैं हम. बाकी दुआएं कर सकते हैं अब इनके लिए हम कि पाकिस्तान जाए, क्योंकि 1992 का वर्ल्ड कप भी हम ऐसे ही जीते थे, ऑलमोस्ट हारे थे सारे मैच, लेकिन बारिशों की वजह से मैच फंसे थे और आगे से, और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने ही इन करवाया था हमें. तो खैर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में अपसेट कर रहे जिम्बाब्वे ने हमें, और अच्छा भी लगा. टीमें ऊपर आ रही हैं, छोटी टीमें भी ऊपर ग्रो कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. क्रिकेट अब और बढ़ रही है छोटी टीमों का भी. तो
ब्लॉग यहाँ से एंड करते हैं। कल का भी ब्लॉग आने वाला आएगा कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान नेदरलैंड कल का फैसला है, कल कौन पहुँचाएगा हमें। तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर देना, सब्सक्राइब तो लाजमी ठोक दो और शेयर भी कर दो ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूवर्स बढ़े और सपोर्ट मिले हमें। तो शायद भाई क्या बोलना चाहोगे अभी भी उठाइए भी। तो करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ और लाजमी यार सपोर्ट कर दो। गुड बाय।